ट्रैफिक पुलिस का अभियान दिनों दिन जोर पकड़ता जा रहा है। जगह जगह चेकिंग कर वाहनों का चालान किया जा रहा है। वाहनों पर कार्यवाही के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी जारी है। हूटर, ब्लैक फिल्म, पुलिस लिखे वाहनों के साथ हेलमेट न लगाने वालों पर भी चालान किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का अभियान दिनों दिन जोर पकड़ता जा रहा है। जगह जगह चेकिंग कर वाहनों का चालान किया जा रहा है। इसके साथ ही अतिक्रमण की कार्यवाही भी की जा रही है। इस अभियान में टीआई, एसआई को अलग अलग चौराहों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यातायात पुलिस हूटर, ब्लैक फिल्म, पुलिस लिखे वाहनों पर लगातार कार्यवाही कर रही है। पुलिस के सख्ती से अधिकांश वाहन स्वामियों ने हूटर, ब्लैक फिल्म खुद ही हटा लिए हैं। मारुति स्टेट चौराहे पर हूटर, सायरन, काली फिल्म, पुलिस कलर की चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें जो भी अपने निजी वाहनों पर पुलिस शब्द का प्रयोग कर रहा है या शीशे पर काली फिल्म चढ़ाए हुए है, इन सभी के चालान की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, अभी खेरिया मोड़ पर अतिक्रमण हटवाया, वहाँ हूटर का चालान किया गया। वाहनों के चालान के साथ पुलिस को अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सड़कों पर अतिक्रमण करने से जाम के हालात पैदा होते हैं। टीआई सुखदेव सिंह ने खेरिया मोड़ से ईदगाह ओवरब्रिज और सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटवाया। इस दौरान ठेल ढकेलों के चालान भी किए गए। पुलिस की कार्यवाही से ठेल ढकेल और दुकानदारों में खलबली मची हुई है। दुकान के सामने फुटपाथ पे यदि सामान या ठेली कोई खड़ी करता तो उनके खिलाफ 133 सीआरपीसी की कार्रवाई नोटिस भेजकर की जा रही है। अब इनके खिलाफ 133 की कार्रवाई की जा रही है, नोटिस भेजा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस का 25 जून तक चलने वाले अभियान में 2 और 4 पहिया वाहनों का चालान किया जा रहा है। गुरुवार को शहर भर में चलाए गए अभियान के दौरान गाड़ियों के बोनट खोलकर हूटर चेक किए गए। इसके साथ ही बिना हेलमेट 2 पहिया वाहनों का चालान भी किया गया। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।